नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। राजनाथ सिंह की रैली के लिए आ रही बस पलटी, 7 घायल। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की कुल्लू में होने वाली रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी निजी बस हादसे की शिकार हो गयी। बस में 35 यात्री सवार थे, इनमें 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बंजार अस्पताल पहुँचाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अन्य सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में नागनी के पास निजी बस पलट गई। यह हादसा उस समय हुआ जब बड़ाहर और आसपास के क्षेत्र के लोग कुल्लू में होने वाले राजनाथ सिंह की रैली के लिए बस में सवार होकर आ रहे थे। नागनी के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस बस में करीब 45 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि बाकी सभी सुरक्षित हैं। हादसे का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही बंजार पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायलों में हेमा ठाकुर, बड़ाहर कृष्ण देवी, बबली उत्तम राम, प्रतिभा काजल, नेहा शामिल है। सभी घायलों को बंजार अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। एयरपोर्ट पर चेहरा पहचानने वाली तकनीकी पर सैन फ्रांसिस्को में पाबंदी। भारतीय सहित कई देशों के एयरपोर्ट में चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुई थी, लेकिन बुधवार को इस पर वही पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि इसके जरिए चेहरों की गलत पहचान हो रही थी, साथ ही सामूहिक निगरानी के लिए इसका ज्यादा दुरुपयोग हो रहा था। पुलिस और जांच एजेंसी इस बात को लेकर परेशान थी कि इस तकनीकी के कारण लोगों की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो रही। पुलिस और जांच एजेंसियों के खिलाफ योजना 2 से 3 मुकदमे दर्ज हो रहे थे। पिछले महीने ही गलत पहचान के कारण ऑस्मैन बेह नाम के एक युवक ने चोरी के आरोप में फंसाने पर एप्पल कंपनी के खिलाफ 7,900 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीएम मोदी पहले मनमोहन सिंह का उड़ाते थे मजाक, आज देश उन पर हंस रहा है। राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया और कहा कि पहले वह मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन 5 साल बाद आज देश उनका मजाक उड़ा रहा है। गांधी ने यहां एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, पीएम मोदी मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते रहते थे, लेकिन अब 5 साल बाद मोदी जी मनमोहन जी का मजाक नहीं उड़ाते, आज देश मोदी जी का मजाक उड़ा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी अगर मनमोहन सिंह के सलाह लेते हैं तो कभी नोटबंदी और जीएसटी नहीं लाते। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एकदम सही भविष्यवाणी की थी कि इन दोनों फैसलों के कारण देश की जीडीपी में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री सोचते हैं कि केवल एक व्यक्ति ही देश को चला सकता है, लेकिन असलियत में यह जनता है जो देश चलाती है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।